हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2022 में 90% कैसे लाएं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए तहलका है। और वो ट्रिक मैं बताऊंगा कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी कि बहुत कम समय में आपकी तैयारी इतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी कि आपकी जो सफलता होगी आपको खुद पर विश्वास नहीं होगी। ठीक है, तो यार ये वीडियो जो है वो 10th और 12th दोनों के लिए है। ठीक है, तो अरुणिमा सिन्हा बिना पैर के एवरेस्ट पर जा सकती, नरेंद्र दामोदर दास चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बोर्ड परीक्षा 2022 के टॉपर आप क्यों नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ों में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कब पढ़े, किस टाइम से पढ़े और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं टोटल 6 टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, तो अपने वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, किसी ने कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता कुछ नहीं, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। एक चीज़ मैं आपको वीडियो शुरू करने से बता दूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कि जो इम्पॉसिबल होता है वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, यानी कि मैं पॉसिबल हूँ, लेकिन आप करते नहीं उसे। ठीक है, आप अपने अंदर की ज्वाला को जगाओ, अपनी ताकत को यार पहचानो, तुम कर सकते हो लेकिन अभी शुरू ही नहीं किए हो। अरे यार, अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए करो, जो आपको दिन रात करके आपके लिए ज़रूरत की सामानों को देते हैं। ठीक है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो इस समय आपको हिम्मत दिखाने की काम कीजिए। ठीक है, हिम्मत दिखाने का वक्त है, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त है। तो जो पहला हमारा टॉपिक बन जाता है वो है सुबह ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आपको कुछ भी हो जाए, ये घड़ी आपकी कुछ कठिनाइयों का दौर चल रहा है, तो आपको सुबह ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तड़के सुबह आपको उठना है, कुछ योगा शुरू कर देना है। अब देखो, योगा करने से आपको लाभ क्या होगा, योगा करने से आपकी जो शरीर होती है वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला हो जाती है और नींद कम आता है रात में। ठीक है, तो आपको टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ना है, और टाइम टेबल का यार बेसब्री यानी बिल्कुल ईमानदारी से आपको पालन करना है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ सोशल मीडिया पे वार करना है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, रील्स वगैरह देखते हो, शॉर्ट वीडियो देखते हो, इनसे यार ये इस समय के आपके दुश्मन है, इससे आपको बच के रहना है। अदरवाइज दुश्मन तो आप जानते हो कि कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इन सबको अगर आपके मोबाइल फ़ोन में, तो अभी इंस्टॉल कर ले, क्योंकि इस वक्त के ये सबसे बड़े दुश्मन यार जिंदगी रहेगी। तो आप बहुत व्हाट्सएप फेसबुक रील्स चलाओगे, लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा जिंदगी में आपका एक बार बन कर आएगा, तो इसे खराब ना होने दे, क्योंकि ये सबको आपको दिखाना है। देखो, आप सुबह में योगा कर लेना है, सुबह कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, याद करने वाले सब्जेक्ट यानी जो लर्निंग सब्जेक्ट होते हैं उसे सुबह में आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप बोल बोल कर याद कर सकते हो, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को आप बोल बोल कर याद कर सकते हो, इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको भोर में आप याद करोगे, ये सब चीज़ें होती है अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आप शाम में पढ़ना चाहते हो तो शाम में कौन से सब्जेक्ट पढ़े, अगर आपका फिजिक्स है, ठीक है, तो आप थ्योरी पढ़िए, केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल पढ़िए, डेरिवेशन पढ़िए, और अगर मैथ का सब्जेक्ट हो तो मैथ का सब्जेक्ट पढ़िए। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर इसके बीच में भी आपको समय मिल जाता है तो आप अपने मन पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक की ओर हम चलते हैं। यार सेकेंड टॉपिक के टॉपर क्या करते हैं, ठीक है, आप जो भी यार आपके सब्जेक्ट हैं उनके आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स जरूर आपको बनाना, नोट्स बनाने से फ़ायदा क्या होगा ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। देखो, उसमें फार्मूला लिखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बोर्ड एग्जाम यार जाता है, जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं, ये फार्मूले पूछे जाते हैं, आप उनको अच्छी तरह साफ सुथरा उस नोट्स में लिखे। ठीक है, शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 4 से 5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे उनको लिखिए। लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पढ़ आते हैं, उसको आप एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद कहीं प्रैक्टिस करिए, रब करिए, उसके बाद उसको अपने नोट्स में साफ सुथरे नोट्स में उसको लिख लीजिए। ठीक है, लॉन्ग टाइप के जो डेरिवेशन है, क्योंकि डेरिवेशन यार बार बार रिपीटेड होते हैं जो लॉन्ग टाइप के होते हैं, ठीक है, तो उनको आप उसमें 10 से 12 जो डेरिवेशन है उनको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए पर्याप्त है। और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जो इंपॉर्टेंट जो लगते हैं कि इस टॉपिक पे बार बार पूछे जाते हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका नोट साफ सुथरा रहेगा, आपका नोट आपके द्वारा बनाया रहेगा, कि बोर्ड एग्जाम में आप एक बार देखोगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी, क्योंकि वो नोट से आपके शब्दों में और आपके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती ये करता है कौन, ये चीजें टॉपर करता है। तो यार देखो, ये आपका कौन सा कौन काम करते, टॉपर करते, तो आप भी टॉपर बन जाओ कि नहीं।
ये टॉपर, ठीक है। अब देखो जो टॉपर बनता है तो वो भी NCERT का भी बुक पढ़ता है, वो भी आपके जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ता है, वो भी आपके ही जैसा है, आपकी ही उम्र का, आपके जैसे ही उसको टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जब वो टॉपर बन सकता है तो आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते यार गाइज। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि नहीं, वो भी हर एक चीज़ सेम कर रहा है, केवल थोड़ी सी आप मेहनत कर रहा है। जब आप सो रहे तो जाग कर अपनी नींद को त्याग रहा है और पढ़ रहा है। तो जो तीसरी टॉपिक की ओर हम बढ़ लेते हैं, जो तीसरा टॉपिक हमारा निकल कर आता है वो होता है लक्ष्य निर्धारित करना। आप जो भी काम करते हो तो लक्ष्य को निर्धारित कर करिए कि मैं बोर्ड परीक्षा में 90% लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मुझे मेहनत करनी पड़े, मुझे 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप जब लक्ष्य बनाओगे ना तभी आप उसके अनुरूप कार्य कर पाओगे यार गाइस। जैसे कि एक बस को अगर आप बिना ड्राइवर के चलाकर छोड़ देते हो, यानी उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि ये कानपुर जाएगी, ये मिर्ज़ापुर जाएगी, ये सोनभद्र जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो बिना लक्ष्य की कितनी दूर जा सकती है आप ये बता दो मुझे। वो कुछ दूर जाएगी, इसके बाद वो कहीं ना कहीं टकरा जाएगी, ठीक है। तो इसको किसी ने सही कहा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो आपको डरना नहीं है, इस समय हिम्मत दिखाने का वक्त है और आप हिम्मत दिखाइए। क्योंकि यार आप अगर इतनी सी भी मेहनत नहीं करोगे तो आपको जीवन जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल देते हैं। चौथा ऑप्शन वो क्रिश्चियन बैंक प्लस मॉडल पेपर, ठीक है। इस समय समय आपके पास कम है तो मैं क्रिश्चियन बैंक पे ज़्यादा प्रेशर करूँगा और आपको एक या दो मॉडल पेपर सॉल्व करना ही करना, ये अपने अंदर जिद ठान लीजिए। अब देखो दोनों के हम फायदे बताएंगे। क्रिश्चियन बैंक से ही मॉडल पेपर आता है, ठीक है। मॉडल पेपर का चीज़ क्रिश्चियन बैंक में दिया होता है, बट अगर आप मॉडल पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन पर कितना समय देना है, टाइम प्रबंध आपको पता चल जाता है, ठीक है। इससे बहुत सारे लाभ आपको होता है। और क्वेश्चन बैंक आपको लेना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को ही पढ़ना है। इस समय आपके पास वक्त कम है तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको उसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इससे फायदा यही होगा कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और समय प्रबंध यानी समय मैनेजिंग आपको पता चले किस प्रश्न कितना समय देना है। तनाव मुक्त रहेंगे, आपकी लिखावट भी अच्छा हो जाएगी और चीजें आपको याद रहेंगी अगर आप उसे इस तरह से लिख लिख कर याद करेंगे। तो देखो ये किसी ने सही कहा कि जब समय था तो समझदारी नहीं, आपके पास समय है लेकिन अभी समझदारी नहीं है। अब समझदारी तो समय नहीं, अगर आप बड़े हो जाओगे तो आपको यार लगेगा कि मैं मुझे भी पढ़ना चाहिए था, मैं नहीं पढ़ा यार, मैं इस काबिल हो गया होता, आज मैं भी एक अच्छा अफसर होता। तो ये चीज़ें आपको बाद में पछताव होती, तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखो किसी ने सही कहा कि इस जीवन में पढ़ले बंदे इसमें तेरी भलाई है, अरे ना जाने इस अज्ञान ने कितनों की दुनिया को जलाई है, ठीक है। अज्ञानता आपकी दुनिया को जला सकता है, तो यार अज्ञान न रहे, पढ़ लिख कर अच्छा बन जाए। तो देखो पांचवा जो टॉपिक हमारा कहता है वो कहता है कि लिख लिख कर याद करने की कोशिश करना। इससे देखो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी आप पढ़ याद करें वो लिख लिख कर याद करें, ठीक है। आप लिखने से यार चीज़ें लंबे समय तक याद रहती। देखो यहाँ पे फायदा इसकी क्या होंगे, लंबे समय तक याद रहेगा, आपकी लिखनी भी सुधर जाएगी, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपकी प्लस पॉइंट है। जिन सब चीज़ों का आपका ध्यान देना है। किसी ने सही कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो जिन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना, और मेरा एक लास्ट टॉपिक है उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। गाइस छठा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि आपको सभी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, देखो एवरी सब्जेक्ट आपका 100 मार्क का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स के होते हैं और आपको 100 मार्क्स गेन करने, अगर यार आपकी मैथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आपने मैथ में 99% सपोज ला दिया और आपके जो हिंदी है इसमें 45 मार्क्स ही आए, ठीक है, तो आपके क्या होंगे, ये मार्क्स को आपके रिजल्ट को अच्छा नहीं यानी कि बेकार कर देगा। कि छठवां सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है, ठीक है। NCERT के सिलेबस को ही पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को क्वेश्चन बैंक न्यू ले लेना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास अगर ओल्ड है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी बदल रही हैं और नए नए जो प्रश्न आ रहे हैं उनको उसमें कवरेज किया जा रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको यह सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक न्यू लेना है, ठीक है। इससे आपको आइडिया होगा और क्वेश्चन बैंक के सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन को ही तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।